हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद चा। आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर थर्ड अटेंड करेंगे। लेक्चर थर्ड में कल मैं आपको कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बता रही थी। कंपोजिशन या कंसंट्रेशंस देखने के लिए सॉल्यूशंस के हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, उसमें से हम एक एक करके अब डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन मेथड ऑफ दैट। ग्राम पर लीटर, ठीक है। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जी अपॉन एल। व्हाट इज द ग्राम पर लीटर? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इसमें जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट को हम ग्राम में मेजर करते हैं और जो सॉल्यूशन को जो लेते हैं यानी सॉल्यूशन जो बनाया जाता है वो उसको लीटर में मेजर करते हैं, तो ग्राम पर लीटर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका मोलरिटी। ये कुछ टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोलरिटी, और नॉर्मलिटी। व्हाट इज द मोलरिटी? मोलरिटी इज डिनोटेड बाई, डिफाइंड बाई एम। अब जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे लैब में तो आपको सोल्यूशन बनवाए जाएंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन नॉर्मलिटी के, मोलरिटी के, तो आपको जानना जरूरी होता है मोलरिटी, या नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस होता है। लेट सी व्हाट इज द मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ सोल्यूट dissolved per liter, of the solution, at a particular, temperature is called molarity of a solution, यानी किसी भी सॉल्यूशन की में, अब इसमें ऊपर वाले में उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें हमने जो सॉल्यूट का उसमें वेट जो लिया है इसमें ग्राम में लिया है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं हम सॉल्यूट का और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसको लीटर में, सॉल्यूशन लीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसमें दोनों में डिफरेंस होगा, इसमें टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया जाता है, इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं, दैट इज द मोलरिटी, ठीक है। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस? अब मैं कहूँ व्हाट इज द एन एम, जैसे किसी भी अगर आपके लिखा आता है एन एम सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन? मोलर सॉल्यूशंस रेफर्स टू द सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन्स वन मोल ऑफ सबस्टेंस डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशंस, यानी जब किसी भी सॉल्यूट का वन मोल वन लीटर में डिसॉल्व होता है, यानी वन लीटर सॉल्यूशन में
यूज होता है तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशंस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका अगर हम देखें, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। मोलरिटी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ, अब इसका हम अगर यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी आपकी, मोल पर लीटर, और इसको ऐसे भी सकते हैं मोल लीटर की पावर माइनस वन। ओके, अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं एम इक्वल टू एन अपॉन वी, वेयर आपका एम क्या है, मोलरिटी, एन नंबर ऑफ मोल्स, ओके, एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें वी, तो यानी अगर हम उसको फॉर्मूले को पूरी तरह से चेंज करके लिखेंगे तो वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन वी अपॉन थाउजेंड, वेट अपॉन मोलरिटी, जब नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरह से निकालते हैं तो इसमें आपका पूरा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे वी इक्वल टू एम मोलर मास मोलर वेट अपॉन मल्टीप्लाई वी अपॉन थाउजेंड, वेट निकालने का तरीका होता है। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेलिटी एफ। तो स्टूडेंट व्हाट इज द फॉर्मेलिटी, ये सारे कंसेंट्रेशन मेजर्स करने के लिए आपके टर्म्स होते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम क्या होता है, हम इसको अगर देखेंगे द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, मोलरिटी में आप क्या ले रहे थे, मोलरिटी में आप ले रहे थे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, फॉर्मेलिटी में लेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूट, ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, इसको भी मार्क की जगह ऐसे लिख देते हैं, चलिए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, ऑफ सॉल्यूशन। तब इसको हम फॉर्मूले में किस तरह से लिखेंगे, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम
फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब एंड द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ ग्राम और उसके बीच में अगर इसमें रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई M अपॉन N V अपॉन 1000, वेयर W क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ओके. V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब एंड इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट एंड एफ इज फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. स्टूडेंट आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं और एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. अब मेरे पास मैसेज आया है कि मे बी सॉलिड स्टेट जो पोर्शन है इस बार शायद ऐड हुआ है, नया जो सर्कुलर आया है CBSE का. लेकिन अभी तक क्या है कई बार फेक सर्कुलर भी होते हैं, तो जब तक पूरे कॉलेज वाला नहीं खुल जाते तो एक ऑफिशियल हर स्कूल को या कॉलेज को एक ऑफिशियल CBSE की तरफ से सर्कुलर आता है, तो उसके थ्रू ही हम आपको प्रॉपरली बताएंगे हटा है या नहीं हटा है. अगर हट जाता तो कोई बात नहीं, अगर ऐड हुआ है इस बार फिर से तो हम आपको इस चैप्टर के बाद फिर से करा देंगे, ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं. थैंक यू.